हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल लर्न। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने यूट्यूब चैनल के वीडियो में आई बटन कैसे लगा सकते हैं। जी हां फ्रेंड्स, आई बटन लगाना बहुत ही जरूरी होता है हमारे यूट्यूब वीडियो में। अगर आपके अपने यूट्यूब वीडियो को ज्यादा ग्रो करना है, चैनल को फास्ट ग्रो करना है, वॉच टाइम फास्ट ग्रो करना है, तो फ्रेंड आप अपने वीडियो में एंड स्क्रीन लगा करके और आई बटन को, ये दोनों चीज का इस्तेमाल करके आप अपने चैनल को फास्ट ग्रो कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले दो वीडियो मैंने बताया है कि एंड स्क्रीन कैसे वीडियो में लगाया जाता है और एंड स्क्रीन आउट्रो कैसे बनाया जाता है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन में आप जाकर के देख सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आई बटन जो मैंने बोला अभी आप ऊपर में देख सकते हैं, उसी आई बटन के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, और उसे कैसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, उसे कैसे अपने वीडियो में यूज करना है, उसी के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो एंड तक देखें फ्रेंड्स, ताकि आपको कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट टेक से भरी वीडियो आप तक जल्द से जल्द आती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्या करना है आपको, सबसे पहले मैं जैसा कि आपको हर एक ट्रिक जो भी बताता हूँ वो अपने मोबाइल स्क्रीन पे कैसे करना है मोबाइल पे बताता हूँ। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के पास होता है कंप्यूटर होता है, पीसी होता है, लैपटॉप होता है, तो वो अपने उस पे काम कर लेते हैं, वहाँ पे करना ज्यादा आसान होता है। लेकिन उनसे भी कई ज्यादा मात्रा में ऐसे लोग हैं फ्रेंड्स, जिनके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी वगैरह कुछ नहीं है, जो अपने मोबाइल फोन से ही चैनल को चलाते हैं। तो इसीलिए मैं मोबाइल से ही बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से कैसे आई कार्ड का या आई बटन कह लो, उसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, क्या करना है आपको, अपने मोबाइल पे क्या करना है, क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे बगल में मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि जब आप अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, जैसा कि मैं आपको अभी ओपन करके दिखाता हूँ, तो सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स आपको, आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को डेस्कटॉप मोड में उसके कन्वर्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट करने के बाद आप यूट्यूब सर्च कर लेंगे, वहां पे यूट्यूब खोल लेना। यूट्यूब खोलने के बाद फ्रेंड्स, उससे क्या होगा, डेस्कटॉप मोड में करने से आपका फोन बिल्कुल कंप्यूटर की तरह हो जाएगा, कंप्यूटर की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे यूट्यूब खोलने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है आपको, यहाँ कॉर्नर में आपके चैनल के लोगो पे जाना है आपको। सिंपली से वहां क्लिक करने के बाद आपको यूट्यूब स्टूडियो में क्लिक कर लेना फ्रेंड्स। यूट्यूब स्टूडियो में क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपके सामने आपके चैनल का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा, जो कि आप यहां सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, चैनल डैशबोर्ड खुल चुका है फ्रेंड। तो आपको यहां क्या करना है, ये जो थर्ड नंबर में ये जो आइकन दिया हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपने अपने चैनल पे अभी तक जितना भी वीडियो अपलोड किया है उसका सारा लिस्ट आपके सामने खुल करके आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, सारा वीडियो का लिस्ट खुल करके आ चुका है। तो इसमें से फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा, किसी भी एक वीडियो में जिसमें आप आई कार्ड या आई बटन का यूज करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो उस वीडियो को पहले सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं इस फर्स्ट वीडियो पर क्लिक कर लेता हूं, इस पर क्लिक करने के बाद पेंसिल वाला आइकन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां पेंसिल वाले आइकन पे आपको सिंपली सा क्लिक कर देना है। इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सामने में आपके वीडियो की सारी डिटेल खुल करके आ जाती है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, टैग है, सब कुछ ये खुल करके आ जाती है। फिर आपको साइड में उसको स्क्रॉल डाउन करके साइड में जाना फ्रेंड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड स्क्रीन और आई कार्ड दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो एंड स्क्रीन कैसे लगाया जाता है, जैसे कि मैंने बताया, मैंने इसे सिखा चुका है, तो आज मैं आप इसको सिखाऊंगा इसमें आई कार्ड का कैसे यूज करना है। तो आपको आई कार्ड पे क्लिक कर लेना फ्रेंड, आई कार्ड को ही आई बटन कहते हैं, तो आप ज्यादा घबराए ना फ्रेंड। तो इस पे क्लिक कर लेने के बाद क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि आपके इस वीडियो के पूरा लेंथ यहाँ पे खुल चुका है फ्रेंड, तो इसमें क्या करना है आपको, आप जहां जहां पे आप अपने वीडियो में जितनी लेंथ के बाद जितनी दूरी पे आप आई कार्ड लगाना चाहते हैं, यहाँ नीचे में आपको एक लाइन सा दिख रहा होगा, यहाँ क्लिक करें या यहाँ करें, जहां भी करना चाहते हैं आप वहां पे क्लिक करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया फ्रेंड, तो ये 53 सेकंड के बाद, मेरे वीडियो स्टार्टिंग होने के 53 सेकंड के बाद ही यहाँ पे ये आपको दिखने लगेगा आई बटन। मैं इसे और कम कर दूंगा तो 26 सेकंड के बाद ही दिखेगा। तो जैसे मैंने इस लेंथ को सिलेक्ट कर लिया, अब मैं ऊपर में आपको दिख रहा होगा फ्रेंड वीडियो करके और प्लस का आइकन यहाँ पर दिख रहा होगा, फर्स्ट में यहाँ वीडियो और यहाँ प्लस का आइकन।
तो आपको इस पे प्लस वाले पर क्लिक करना है इस वीडियो पर। यहाँ क्लिक करने के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, आपके चैनल पे जितना वीडियो उसका पूरा लिस्ट खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ से आप जो भी इस वीडियो को वहां डालना चाहते हैं उस आई बटन में, तो उस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ से मैं जैसे कि कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने इस वीडियो को सेलेक्ट कर लिया, तो ये ऑटोमेटिक सा वहां पर सेट हो जाएगा फ्रेंड। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि मैंने अभी बताया यहाँ पर ये सेट हो चुका है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप, एक वीडियो यहाँ दिख रहा है आपको चैनल में दिखा हुआ, सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, हाउ टू मेक प्रोफेशनल आउट्रो, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब और भी अगर आप इस तरह से अपने वीडियो में 2-4-5 आई बटन लगाना चाहते हैं, तो एक लेंथ और भी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने इस लेंथ को सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद फिर फ्रेंड आपको क्या करना है, यहाँ पर एक आइकन दिख रहा है आपको ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। जी हाँ, इस पर क्लिक करने के बाद फिर आप अगला वीडियो का लिस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, वीडियो प्लेलिस्ट चैनल ये सारा लिंक ओपन खुल के आ जाता है। आपको वीडियो पे क्लिक करना है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड फिर से देख सकते हैं आप, यहाँ पर फिर से वो वीडियो खुल करके लिस्ट खुल करके सामने आ चुका है। तो इसमें आपको फिर से जो भी लगाना है, जो भी वीडियो को इस पर लगाना है, आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप जितना भी आई बटन का यूज करना चाहते हैं आप अपने वीडियो में, उतना लेंथ के अनुसार से आप लेंथ सेलेक्ट करेंगे। फिर वहां पर इस वाले प्लस वाले आइकन पर जाकर के फ्रेंड, मैंने बताया जिस तरह से लिस्ट खोल करके आप वीडियो को सेलेक्ट करेंगे अपने इच्छा के अनुसार, और उसके बाद फिर क्या करेंगे फ्रेंड, उसे ओके करने के बाद सबसे ऊपर में आपको यहाँ दिख रहा होगा फ्रेंड एक सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर, तो आपको उस सेव पर क्लिक कर देना। सिंपली तरीके से सेव पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स क्या होगा, आपके उस वीडियो पे आई बटन ऑटोमेटिक सा लग जाएगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यही था, बहुत ही आसान सा तरीका था। आप इस पे आसानी से किसी भी वीडियो में आई बटन का यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसको लगाने से फ्रेंड्स क्या होगा कि आपका चैनल फास्ट ग्रो करेगा और आपके चैनल पे ज्यादा वॉच टाइम बढ़ने की संभावना हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा और आपके लिए नए आपकी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आऊंगा फ्रेंड्स। अगर उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको किसी तरह की कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम हुई होगी तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। या फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।